इसको देख के ही आप लगा सकते हैं अंदाजा कि इसमें बड़ा टाइम लगा होगा, लेकिन इसमें व्यू ही नहीं आया ज़्यादा। ये गिटार मैंने लिया था लगभग 2 साल हो गए होंगे। नमस्कार साथियों, मैं संतोष वर्धन एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल पे। और आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूं अपनी दिनचर्या, मेरी दिनचर्या कैसी होती है जब मैं स्कूल में होता हूं। तो फिलहाल ये है मेरा रूम, आपको थोड़ा सा दिखा देता हूं। इधर गैस वगैरह है, रोड अभी ऐसी पड़ी है, सुबह पानी गर्म किया था। उधर बर्तन, उधर एक चारपाई लगी हुई है, ये सारा खाने पीने का सामान रखा है। ये है मेरी टेबल जिसपे मैं काम करता रहता हूँ, उधर है चारपाई और वहाँ पे और सारी चीज़ें। ये कभी जैसे वर्कआउट वगैरह करता हूँ तो उसके लिए थोड़ा बहुत, उधर भी कुछ डंबल पड़े होंगे नीचे। तो आज का जो मौसम है वो कुछ इस प्रकार से है, 4 दिन बारिश रही, उसके बाद 2 दिन ठीक ठाक रहे, आज से फिर मौसम ख़राब होना शुरू हो चुका है। मैंने ले लिया है छाता, अभी वैसे टाइम हो रहा है लगभग 6:30, तो मैं निकल रहा हूँ धीरे धीरे स्कूल के लिए। तो सबसे पहले ताला बंद कर लेता हूँ, ये है मेरा बहुत ही पुराने ज़माने का ताला। तो अब सारे दरवाजे वगैरह बंद करके मैं निकलता हूँ स्कूल को। तो मेरे एक हाथ में है अभी मिठाई, और ये है हमारे एक भूतपूर्व छात्र शिवांशु नेगी, वो पास हुआ था तो उसकी मम्मी ने ये मिठाई भिजवाई है स्कूल के लिए, तो उसको भी लेके चल रहा हूँ मैं स्कूल में। घर के पास ही गुलाब के पौधे पे खिला हुआ है एक सुंदर सा गुलाब। तो यहाँ से निकलते हैं अब घर से बाहर। जनरली इस गेट को मैं कम ही खोलता हूँ क्योंकि साइड से निकल रहा है, इसलिए मैं किनारे से ही आता हूँ। ये रास्ता जाता है नीचे सड़क तक, और वहाँ से होते हुए गाँव, और मैं चले जाऊँगा सड़क से इधर के लिए। और ऊपर धार में जहाँ बहुत घना कोहरा लगा है, उधर है हमारी स्कूल। नीचे कुछ बच्चे भी आते हुए। तो आजकल स्कूल की टाइमिंग है लगभग 8 बजे, और जिस दिन मुझे नाश्ता बनाना होता है उस दिन मैं निकलता हूँ कमरे से 7 बजे। और आज क्योंकि मंगलवार था और मेरा फास्ट है, तो इसलिए मैं आज थोड़ा जल्दी आ गया हूँ। इस गांव में मुझे लगभग 7 साल हो चुके हैं, तो जंगली जानवरों का भय तो रहता है लेकिन इतना ज़्यादा नहीं है। आज तक 2 या 3 बार ही हमने कभी जंगली जानवर देखे होंगे, खासकर स्कूल टाइम पे। मेरे ऊपर आप देख सकते हैं पूरे बांझ के जंगल हैं। तो अब मैं पहुंच चुका हूं सड़क में, और यहां से हमें लगभग आधा किलोमीटर सड़क सड़क चलना है, और उसके बाद हम चलेंगे फिर चढ़ाई की तरफ। तो यहाँ पास ही में एक छोटी सी दुकान जिसमें रोज़मर्रा की ज़रूरत का छोटा मोटा सामान मिल जाता है, और यहीं तक आती है गांव की गाड़ियाँ। पहाड़ी एरिया में सड़कों के हाल किसी से छुपे हुए नहीं हैं, तो वैसे ही यहाँ की सड़क भी लगातार टूटती रहती है। लेकिन अब यह है कि इसकी सफाई हो जाती है समय समय पे। नीचे के खेतों में यहाँ लगी हुई है मिर्च, 2-3 खेत तो बंदर हैं, लेकिन उधर लगे हैं कोदा और झंगोरा, तो ये ही यहाँ की आजकल की मुख्य फसल है। तो यहाँ से उधर दिख रहा है मेरा कमरा, और आगे है बांसई गांव, बांसई तल्ली। तो अब ये आ गया मोड़ आगे से, तो इस मोड़ से हम चले जाएंगे ऊपर स्कूल के लिए। तो यहाँ से सड़क जा चुकी है आगे, और इधर से जाना है हमें, जो आपको बारीक से रास्ता दिख रहा होगा इस पे हमें चढ़ना है ऊपर स्कूल के लिए। आजकल बरसात में घास बड़ी बड़ी हो जाती है, तो फिर अभी ठंडियों तक आते आते इनमें पाला जमना शुरू हो जाएगा, और फिर सुबह के टाइम पे पूरे कपड़े गीले हो जाते हैं। इस घास को देख के मुझे एक किस्सा याद आया है। बचपन में जब हम ऐसे रास्तों पे चलते थे स्कूल जाते समय, तो हम घास बांध देते थे। अब बड़ी घास के बीच में से दिखता तो था नहीं कि घास बंधी हुई है, तो हम घास बांध के छुप जाते थे, और फिर जो लोग पीछे से आते थे वो कई बार गिरते रहते थे। खासकर कोदा झंगोरा इनको बहुत बांधते थे हम। तो अब मिलता हूँ आपसे थोड़ा ऊपर जा करके, क्योंकि यहाँ से चढ़ाई शुरू हो चुकी है। तो है अपने
एक हफ्ते बाद इसके आने से पछता। तो ये है हमारा दूसरा पड़ाव, तो वो है गांव जहाँ से हम चले थे। आगे वो सड़क और इतनी हाइट में हम आ चुके हैं। कुछ बच्चे भी नीचे से आ रहे हैं उधर। तो अब चलते हैं सीधे स्कूल को। यहाँ से स्कूल है अब 5 मिनट का रास्ता। और ये रास्ता भी है स्कूल के लिए एक शॉर्ट रास्ता, जिसको हम ज़्यादातर गर्मियों में इस्तेमाल करते हैं। तो अब लगभग स्कूल हम पहुंचने वाले हैं। स्कूल का जो क्षेत्र है वो एक मल्लीवासई गांव है, एक तल्लीवासई है और एक गांव इस धार के पार पड़ता है, कनौठा और घंडियाल। घंडियाल ग्राम सभा है, तो वहां से भी कुछ बच्चे आते हैं। तो यहाँ से शुरू हो जाती है स्कूल की बाउंड्री। काफ़ी दिनों बाद स्कूल खुल रहा है, तो झाड़ियाँ काफ़ी हो चुकी है। अब खाली टाइम में इनको भी साफ करेंगे। इधर है हमारी ये प्लेग्राउंड की सेफ्टी वाल। इधर भी हमने सेफ्टी के लिए एक नेट लगाया हुआ है। आगे लास्ट जो आपको चोटी दिख रही है वो है घणिया खाल। इधर ये भदूली, देवराड़ी, आगे असलोट और ऊपर जो आपको दिख रहा है ये है पोखड़ा, पोखड़ा ब्लॉक। इधर जो लास्ट में आपको रेंज दिख रही है ये है चौबट्टा खाल। और इधर बसा है हमारा विद्यालय। तो अभी लगभग टाइम हो रहा है 7:15। अभी से लगभग हमारे पास हैं 15-20 मिनट, इसमें हम विद्यालय की सफाई करते हैं और पीने के लिए पानी वगैरह भरते हैं। अब मिलते हैं आपसे खाली टाइम में, क्योंकि अब विद्यालय का टाइम शुरू होने वाला है। Suppress my feelings, 'cause I know what's best for me. Feel short of confidence, my hands begin to shake. I thought I knew you, but I'm. तो अब बच चुके हैं दिन के लगभग 1:30 और स्कूल की छुट्टी हो चुकी है। लेकिन अब आप मौसम देख सकते हैं कि अच्छी खासी बारिश हो गई है। आज 10 बजे के बाद बारिश शुरू हो गई थी, लगभग 2-2.5 घंटे से बारिश हो रही है। अभी हल्की सी कम हो रही है बारिश, लेकिन मौसम काफ़ी सही हो रखा है। तो अब मैं आ चुका हूँ वापस सड़क के पास और यहाँ से सड़क सड़क चल दूँगा मैं अपने कमरे की तरफ। तो अब कमरे पर पहुँच के एक दो आम काटता हूँ, आम खा के थोड़ी देर करेंगे आराम, आम और आराम। टीचिंग प्रोफेशन के बारे में मैं एक सबसे ज़रूरी बात आपको बताऊँगा। जब आप स्कूल से घर आते हैं ना, उसके बाद लगभग 1-2 घंटे किसी से बात करने का मन नहीं होता। पूरा जो गला होता है वो दर्द होता रहता है दिन भर बच्चों के साथ, इसलिए थोड़ा आराम ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। तो अब मैं थोड़ा आराम करता हूँ, उसके बाद फिर मिलता हूँ आपको शाम को। तो अभी लगभग टाइम हो रहा है 5:00 और थोड़ी देर में सो भी गया। वीडियो एडिट करते करते थोड़ी देर मुझे नींद आ गई, तो मैं सो भी गया। मौसम काफ़ी सही हो रखा है, बादल लगे हैं लेकिन बारिश नहीं है, तो उस वजह से अच्छी सी नींद आ गई थी। ये गिटार मैंने लिया था लगभग 2 साल हो गए होंगे, तब से मैं सीख नहीं पाया। शौक था कि सीखूंगा, कभी हल्की फुल्की स्ट्रीमिंग आती है तो ऐसे थोड़ा कुछ गुनगुनाता हूँ।
चला उड़ के छोड़ा है जहान बीच में तुम्हारे अब हूँ हवाले हवा लोग बाग मिलो दूर ये वादियाँ। एक टाइम पे मुझे गाने का भी शौक हुआ करता था लेकिन उम्र बढ़ने के साथ साथ जो आपकी आवाज़ मोटी होती जाती है उसके बाद मैंने ये शौक छोड़ दिया। हाँ कुछ कविताएँ लिखता था और थोड़ा बहुत मैं चित्रकारी और लेखन जो काम है वो कर लेता हूँ। दीवारों पर लिखना वगैरह होता है, बोर्ड वगैरह लिखने होते हैं वो कर लेता हूँ। कुछ मैंने शॉर्ट्स के लिए कुछ चित्र बनाए थे, आप लोगों को दिखाता हूँ। शिव जी का चित्र बनाया, ये एक ऐसी लैंडस्केप है, ये मैंने एक बनाया था। इस पर हालांकि लाइक्स नहीं आए, कुछ ज़्यादा वायरल नहीं हुआ है, लेकिन कुछ ये ऐसा था। इसके अंदर छोटा सा मुर्गी का बच्चा, अंडा है, अंडे को खोलेंगे तो छोटा सा मुर्गी का बच्चा डांस करता हुआ दिखा रखा है। ये कुछ ये हालांकि बहुत ज़्यादा पॉपुलर नहीं हुआ था अभी तक। पेंटिंग में मेरे सबसे ज़्यादा व्यू आए थे वो इस पर आए थे। ये जय हिंद लिखा हुआ है, कुछ लोग हैं जो झंडे के चारों तरफ खड़े होकर। ये आइडिया मुझे एक शॉर्ट्स देख के आया था जिसमें उसने कुछ ऐसे लोग बनाए थे दो चार हाथ पकड़े हुए, तो उससे मैंने ये बनाया था। और यकीन मानिए इसको बनाने में मुझे 15-20 मिनट लगे होंगे और सबसे ज़्यादा मेरा ही चला। नहीं तो कुछ कुछ ऐसी पेंटिंग है जिनको बनाते मुझे पूरा दिन लग गया था लेकिन उनमें कुछ ज़्यादा व्यू नहीं आए। जैसे ये राम जी का चित्र है, इसमें बड़ा टाइम लगता है, इसको देख के ही आप लगा सकते हैं अंदाजा कि इसमें बड़ा टाइम लगा होगा, लेकिन इसमें व्यू ही नहीं आया ज़्यादा, मुश्किल से 100-200 व्यू भी नहीं होंगे इसमें। और इसमें बहुत टाइम लगा था और मतलब बहुत मेहनत भी लगती है लेकिन फिर भी इसमें व्यू नहीं आए, पता नहीं क्यों। एक फेदर का बनाया था, खैर इसमें तो ठीक ठाक व्यू आ गए थे लेकिन इसको बनाने में 5 मिनट लगे थे मुझे। ये है मेरा एक बिना हैंडल वाला भगोना, इसको चढ़ा लेता हूँ गैस पे। तो अभी लगभग घूमते घूमते हम आ चुके हैं गांव से लगभग 2 किलोमीटर आगे। अब यहां से हम चलेंगे फिर वापस। मेरे पीछे सीनरी बड़ी अच्छी हो रही है आगे, अब ऐसे तो दिख नहीं रहा, ये देखो क्या गजब सीनरी है। कई बार बड़े को मिल जाते बड़े नहीं मिलते। तो अब लगभग बज चुके हैं शाम के 8। गांव की तरफ आप देख रहे होंगे लाइट जल चुकी है। मेरा जो कमरा है गांव से थोड़ा दूर है, लगभग यहाँ से नज़दीकी जो घर होगा वो होगा 500 मीटर। 500 मीटर की दूरी पे एक घर होगा और बाकी गांव थोड़ा दूरी पे है, थोड़ा ये अलग सा घर है। यहाँ मैंने रखी हुई सेवैयाँ बना रहा हूँ आज, क्योंकि आज मंगलवार का फास्ट था मेरा, तो अब सेवैयाँ बनाते फटाफट, फिर पूजा वूजा करके फिर सेवैयाँ खाते हैं और फिर लग जाते हैं एडिटिंग पे, क्योंकि आज का ये जो ब्लॉग होगा मैं रात को ही एडिट कर दूँगा। फिर सुबह मुझे स्कूल जाना होता है जल्दी, तो एडिटिंग करके फिर सुबह निकलेंगे स्कूल। और तो ये थी मेरी रोज़ की दिनचर्या सुबह 5 बजे से और रात के 10 बजे तक। स्पेशल जो करना होता है वो मैं दिन के ब्रेक में, जो स्कूल से आने के बाद ब्रेक मिलता है लगभग 6 बजे तक, शाम के 6 बजे तक, उस बीच में मेरे पास होते हैं लगभग 4-5 घंटे, उसमें मैं कर लेता हूँ जो भी मुझे वीडियो वगैरह बनाना होता है। और मोस्टली रात को मैं कम ही काम कर पाता हूँ क्योंकि दिन भर की थकान के बाद रात को आराम करना भी ज़रूरी है। हाँ एक खुशखबरी और थी कि अभी स्काउट का एडवांस कैंप शुरू होने वाला है, एडवांस कोर्स शुरू होने वाला है। बेसिक कोर्स मैंने किया था स्कूल टाइम पे भी और अभी भी पिछले साल मैं पौड़ी गया था बेसिक कोर्स के लिए, तो अब एडवांस कोर्स है। संभवतः 3 अगस्त से बोल रहे हैं, अभी 3 अगस्त से 1 हफ्ते का होगा, 9 अगस्त तक लगभग।
तो आई एम मच एक्साइटेड अबाउट दैट कि कब हम जाएंगे। तो अभी मेरे एक दो दोस्त का फ़ोन आया था, शायद वो भी मुझे वहाँ ज्वाइन करेंगे, तो उसमें बहुत सारा मज़ा आने वाला है। वीडियो बना पाऊँ ना बना पाऊँ ये अलग बात है, लेकिन वहाँ का जो माहौल होता है वो बड़ा अच्छा होता है। तो ये मेरे लिए बड़ी खुशखबरी की बात थी, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है ऐसे शिविर सम्मेलनों में प्रतिभाग करना। स्कूल का मैं आपको ज़्यादा कुछ नहीं दिखा पाया, क्योंकि स्कूल में मेन काम होता है हमारा पढ़ाई का, तो उसको और ब्लॉगिंग को मैं बिल्कुल अलग अलग रखता हूँ। ये मेरा पर्सनल शौक है और स्कूल में जो मैं करता हूँ वो मेरा पेशा है। वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, शुभ रात्रि। हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीश त्रिलोक जागर रामदूत अतुल बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुनामा।